हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ मेटामॉर्फोसिस में फिर से। और वीडियो जरूर मेरी देर से आती है, लेकिन जितनी वीडियो हैं उसमें सारा रिसर्च मटेरियल होता है। और ये वीडियो जो आज का आने वाला है वो इस बात को प्रूफ करेगा कि वी आर डूइंग समथिंग यूनिक एंड वी आर ब्रिंगिंग द बेस्ट मटेरियल एज फार एज रिसर्च इज कंसर्न। वी आर डूइंग आवर बेस्ट, ये आपको फील हो जाएगा इस वीडियो से। और हम जितनी भी वीडियो लाते हैं मेटामॉर्फोसिस में, हमारा मकसद ये रहता है कि हम क्वांटिटी में ना फोकस करके क्वालिटी पे फोकस करें। और इसीलिए हमारी वीडियो थोड़ा टाइम से ज़रूर आती हैं देर से, लेकिन हमारी वीडियोस में आपको वो सारे मटेरियल मिलेंगे जो इंडिया लेवल के किसी भी कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो नेट हो, सेट हो, या लेक्चर हो, या LT। तो चलिए, जो पिछली वीडियो थी 64 की एज, जहां हमने इंट्रोडक्टरी 64 एज दी थी, उससे आगे का सेकंड पार्ट में चलते हैं। और इस पार्ट में आपके लिए बहुत शानदार जो है पॉइंट्स में लेके आया हूं। तो चलते हैं 64 एज पार्ट 2। तो अभी तक आपने देखा कि 64 जो है किस तरीके से 64 की एज का बैकग्राउंड 64 की एज के लिए आपको तैयार करता है। तो आज हम बिल्कुल 64 की लाइफ में घुसने वाले हैं। और जॉफ्री चौसर, जिनको हम पांच नामों से जानते हैं, जो आप देख रहे हैं, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री इन्हें बोला जाता है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोला था, इन्हें ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल भी बोला जाता है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा बोला जाता है, और नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड एल्बर्ट ने इन्हें बोला था, और उसके अलावा फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी बोला जाता है। लोग इस बात को नहीं जानते कि इन्हें कितने नामों से क्यों पुकारा जाता है, तो मैं आपको इसके रीजन भी दूंगा। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री इसलिए कि चौसर एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लिश पोएट्री में जो एलिटरेटिव मीटर यूज हो रहा था एंग्लो सेक्शन में, उससे हटा के राइम्स और कपलेट को इंट्रोड्यूस किया और पोयम को पूरी तरीके से एक मीटर दिया। तो मीटर और कपलेट्स इसमें चौसर ने यूज किए, जिससे पोएट्री अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आई इंग्लैंड के अंदर, इसलिए इसे फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री दिया जाता है। दूसरा, ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल इसलिए कहा जाता है। कई लोग ये सोचेंगे कि इंग्लिश नॉवल तो पहली इंग्लिश लिटरेचर की 1740 में आती है, तो 1740 में आती है तो एक ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल कैसे हो गए? तो इसका रीजन बताता हूँ कि जब ये इटली से वापस आए थे तो उन्होंने ट्रॉयलस एंड क्रेसिडे नाम की एक पोएम लिखी थी, और जिसका नरेटिव इतना बढ़िया था कि उसको ऐसा लगता था कि मानो एक नॉवल की कहानी चल रही हो, तो उसे फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश वर्स भी कहा जाता है। तो ये कारण है कि इन्हें ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल बोला जाता है। और मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा इसलिए कहा जाता है कि जब रेनेसा इटली से होके, यूरोप का पुनर्जागरण फ्रांस में होके, अब इंग्लैंड के अंदर दस्तक दे रहा था, चौसर उसी समय यंग हो रहे थे, तो आपको पता है इसलिए उन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा कहते हैं, जो भोर का तारा है रेनेसा का। और नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड इसलिए कहा जाता है कि इंग्लैंड के जो है, अगर हम मॉडर्न पोएट्री के अंदर सबसे पहले इंग्लैंड के पोएट का नाम देखें जिन्होंने मॉडर्न पोएट्री का स्वरूप दिया इंग्लैंड को, तो वो हमारे जॉफ्री चौसर हैं। और फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है, जो इंग्लिश हम आज बोल रहे हैं वो पहले बहुत टूटी फूटी इंग्लिश थी, जिसे वर्नेकुलर कहा जाता था, और उसको रिफाइन करके चौसर ने जो नाम दिए वही नाम आज तक लगभग 80% चलते हैं, उनमें कुछ स्पेलिंग्स के रिफाइनमेंट हुए बस। तो ये पांच नाम क्यों थे मैंने आपको बता दिए। तो चलते हैं थोड़ा सा जॉफ्री चौसर की पर्सनल लाइफ के बारे में, क्योंकि कई कॉम्पिटिशन्स में इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहली बात है कि फादर इनके जॉन चौसर थे, जो एक वाइन मर्चेंट थे, और मदर का नाम एग्नीस। जो वाइन मर्चेंट होने की वजह से इनकी सारी रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में और ऊंचे तबके में अलग पहचान थी, और ड्यूक्स वगैरह के साथ आना जाना लगा रहता था। तो चौसर को भी एक अच्छी शिक्षा मिली, लैटिन, ग्रीक और सारी किताबें चौसर ने उस समय पढ़ी, क्योंकि घर में वो मौजूद थी। उस समय किताबें इतनी एक्सपेंसिव होती थी कि लोगों के लिए वो बेयर अप करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन इनके घर में मौजूद थी, इन्होंने पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से। सेंट पॉल्स कैथेड्रल स्कूल में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, और बाद में इनर टेंपल में इन्होंने लॉ की भी जो है पूरी पढ़ाई की। 1357 में वो एक नोबल वुमेन के पेज करार नियुक्त किए गए, पेज एक रैंक होती है, और बाद में एक कर्टियर और फिर एक डिप्लोमेट और एक फिर सिविल सर्वेंट बने। तो उनकी इन बढ़ती प्रशंसा और इनकी बढ़ती फेम का कारण इनका जो इंटेलेक्ट था और जिस तरीके से इनकी पढ़ाई थी, जिस तरीके से लोग इन्हें जानते थे, वो सब चौसर को फेमस होने का कारण बना, और ड्यूक इनसे बहुत इम्प्रेस था। इनका जो पेट्रन ड्यूक था वो जॉन ऑफ गॉन्ट था, जिनको इनका संरक्षक कहा जाता है। और इनके लिए इतना ज़्यादा जो
सम्मान था कि फ्रांस से युद्ध के दौरान 1359 में इनको कैप्चर कर लिया गया और इनको बंदी बना लिया गया, और इनको छुड़वाने के लिए राजा ने बहुत ज्यादा रैनसम दिया उस समय, जो कि बहुत इस समय के हिसाब से भी बहुत ज्यादा होता है आज की पैसों के हिसाब से। 1366 में चौसर की शादी फिलिपा रोइट से हुई, जो क्वीन के हाउसहोल्ड में लेडी इन वेटिंग थी, और चौसर को उनकी सर्विसेज के लिए किंग एडवर्ड थर्ड ने 1367 में आजीवन पेंशन का एक सुविधा दी। अब जब चौसर पूरी तरीके से दरबार और दरबारी कामों में पूरी तरह एक रच बस गए, तो उस समय फ्रांस और इटली की बहुत खबरें थी कि वहाँ रेनेसा पूरे दौर में है और वहाँ के लोग इस तरीके से जी रहे हैं, वहाँ लाइफ स्टाइल है नहीं। तो राजा ने सोचा कि क्यों ना चौसर जैसे व्यक्ति को डिप्लोमेटिक मिशन में बाहर भेजा जाए, जिससे कि वो यहाँ को कॉपी करके वो ये चीज को ला सके अपने देश में। तो चौसर को इसी के चलते सबसे पहले एक फ्रांस में भेजा गया, जो कि उनका पड़ोसी राज्य था और हमेशा से कॉम्पिटिशन में, हमेशा इंग्लैंड से और फ्रांस का कॉम्पिटिशन हमेशा रहा है, आप जानते हैं। तो इसके लिए उन्हें फ्रांस और इटली में अलग अलग डिप्लोमेटिक मिशन में भेजा गया, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। 1386 में उन्हें पार्लियामेंट फॉर कैंट के लिए मेंबर इलेक्ट किया गया और उन्होंने पीस के लिए जस्टिस का काम भी किया। और 1400 में जब चौसर मरे तो उन्हें वेस्टमिंस्टर एबे, जिसे आज पोएट्स कॉर्नर कहा जाता है, जो लंदन में सिचुएटेड है, वहां दफनाया गया। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि वेस्टमिंस्टर एबे यानी जो पोएट्स कॉर्नर है, वहां दफनाया जाने वाला पहला पोएट जॉफरी चौसर था। जितने भी लोग इसके बाद दफनाए गए हैं पोएट्स कॉर्नर, इनका नाम पड़ा, वो सब चौसर के बाद आए। तो चलते हैं चौसर के करियर फेज में, और करियर फेज में तीन करियर फेज हैं, फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड एंड इंग्लिश पीरियड, इन तीनों की बात करेंगे। फ्रेंच पीरियड 1360 से 1370 के बीच में रहा है। जब चौसर फ्रांस में गए डिप्लोमेटिक मिशन में, तो वहां पर दो राइटर्स ऐसे थे जिन्होंने धूम मचा रखी थी, और वो राइटर थे एक डी लॉरिस और एक डी मियंग। डी मियंग और डी लॉरिस का साथ चौसर ने लिया और उनके साथ पोएट्री, कपलेट्स, मीटर के बारे में गहन अध्ययन किया। फ्रांस के लिटरेचर से वो बड़े इन्फ्लुएंस थे, और जब वो वापस इंग्लैंड आए 1370 में, तो उन्होंने फ्रांस के लिटरेचर से प्रभावित होकर 5 किताबों की रचना की, जिन 5 किताबों में मैं एकदम सटीक आपके लिए रिसर्च पॉइंट लेके आया हूँ, तो वो आपको बताता हूँ। और फ्रेंच पीरियड को हम पहले डिस्कस करेंगे, इटली के पीरियड को बाद में, और इंग्लिश पीरियड को लास्ट में। फ्रेंच पीरियड में जब फ्रांस से वापस लौटे तो उन्होंने 5 किताबें इस समय लिखी। पहली किताब कहलाती है द रोमन टॉप द रोज। डी लॉरिस और डी मियंग ने एक्चुअली फ्रांस में एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था रोमन डीला रोज। उस रोमन डीला रोज को ट्रांसलेट किया चौसर ने यहाँ आके, जिसको रोमन टॉप द रोज नाम दिया। और ये जो पोएम थी वो एक एलेगोरिकल पोएम है। आप जानते हैं कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एलेगोरिकल पोएम वो होती है जिसमें हमारे पास एक तरफ एक कहानी का सेट होता है और उसके बेस पे हम एक और कहानी बुनते हैं। तो ये क्योंकि रोमन डीला रोज फ्रांस की ऑलरेडी कहानी थी, उस पर इन्होंने रोमन टॉप द रोज लिखी, तो एलेगोरिकल है। और ये एक खास थीम पर लिखी गई कि ड्रॉबैक्स ऑफ मैरिज, शादी के जो घाटे होते हैं, नुकसान है, उसके बारे में, एंड डिसीटफुलनेस ऑफ वुमेन, और औरतों की बेवफाई। ये दो थीम थे इसके, डिसीटफुलनेस ऑफ वुमेन एंड जस्ट यू कैन से दैट ड्रॉबैक्स ऑफ मैरिज। इसकी वजह से चौसर को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, जिसकी एक हिस्ट्री है जो आगे बताएंगे आगे। दूसरी किताब इन्होंने जो लिखी द बुक ऑफ द डचेस, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये 1369 में आई। इस किताब का एक और नाम है डेथ ऑफ ब्लांशे भी कहा जाता है, क्योंकि जो डचेस थी, जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ थी, जो इनके पैटर्न थे, और जब ब्लांशे की डेथ हुई तो उस पर जॉन ऑफ गॉन्ट ने डिमांड की थी कि आप एक पोएम लिखिए। तो चौसर की ये पहली ड्रीम विजन वाली पोएम थी, यानी ड्रीम एलेगरी समझ लीजिए, जिसमें ड्रीम की बात होती थी, और इसको ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखा गया था। तो बुक ऑफ द डचेस से ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम अगली बार में कि जो एलेगोरिकल लेमेंट है ब्लांशे के बारे में, जो डेथ है उस पर, जो शोक है, वो इसमें दिखाया गया है। और एक बहुत अच्छा आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि लिडगेट, जिन्होंने एक कंप्लेंट ऑफ द ब्लैक नाइट या फिर अ कंप्लेंट ऑफ ए लवर लिखी, वो दोनों किताबें एक्चुअली इसी किताब के पे बेस लिखी गई है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तीसरी किताब चौसर ने इस पीरियड में लिखी जो प्रेयर बुक थी, उसका नाम था NABC, और ये एक लॉन्ग प्रेयर बुक थी। और ये बुक जो ये जो प्रेयर है, ये जो अभी मैंने आपको किताब बताई द डेथ ऑफ द डचेस, उसमें भी ये पोएम को यूज किया गया उसके अंदर। और चौथी किताब चौसर ने लिखी कंप्लेन एंड टू पिटी, उस एक चौसेरियन स्टेंजा में लिखी गई पोएम थी। और आप लोग जानते हैं कि चौसेरियन स्टेंजा को राइम रॉयल भी बोलते हैं, जिसका राइम स्कीम होता है ABABBCC, सात लाइन का स्टेंजा होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। द कंप्लेन ऑफ मार्स इस एज की लास्ट किताब थी, और जिसमें ये रोमन माइथोलॉजी पे बेस्ड थी, और वीनस जो गॉडेस ऑफ लव है ये इसमें कैरेक्टर है, और मार्स गॉड ऑफ वॉर है, इन दोनों का इसमें जिक्र आता है, और ये पूरी तरह रोमन माइथोलॉजी पे आधारित है। अब फ्रांस के बाद जब उनको भेजा गया डिप्लोमेटिक मिशन में इटली में, तो इटली क्योंकि आप जानते हैं रेनेसा का गढ़ था, और उस समय इटली में तीन ऐसे महारथी लिख रहे थे जिनका सबने नाम सुना होगा। नंबर एक महारथी था दांते, जो डिवाइन कॉमेडी के लिए फेमस है, और नंबर दो थे पेट्रार्क, जो सोनेट के लिए फेमस है, और बोकेशियो, जो अपने नरेशन के लिए बहुत फेमस है। ये तीनों धुरंधर राइटर जब वहां लिख रहे थे और चौसर को इनका सानिध्य मिला, इनकी कंपनी मिली, तो चौसर ने और गजब का इंप्रूवमेंट अपनी राइटिंग में किया। इटालियन पीरियड 1370 से 1385 यानी कि 15 साल रहा। तो इसमें जब ये आते हैं तो पांच किताबें फिर से लिखते हैं इटली से इन्फ्लुएंस होके। अब ये किताबों में मैं जो आपको रिसर्च पॉइंट लाया हूं, इनमें से हर एक एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। पहली किताब थी ट्रॉयल्स एंड क्रेसिडे, और मैं आपको बता चुका हूं कि ये इंग्लिश वर्स में सबसे पहली इंग्लिश नॉवल मानी जाती है, यानी पोएट्री स्टाइल में लिखी गई पहली इंग्लिश नॉवल। ये ट्रॉय के युद्ध पर आधारित थी, और ट्रॉयल्स एंड क्रेसिडे नाम की दो जो है इसमें जो लोग हैं, एक ट्रॉयल्स और जो इसमें हीरो है क्रेसिडे आपके हीरोइन, और ये दोनों की लव स्टोरी पर बेस्ड है। इन दोनों फैमिली की एक एनिमिटी होती है, राइम रॉयल में लिखी गई है। इसको याद करने की मैंने एक ट्रिक बताई, दोनों रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे तो इनको लिखने के लिए राइम रॉयल लगेगी, तो राइम रॉयल आपको याद हो जाएगी। बोकेशियो जो कि उस समय इटली में लिख रहा था, उसकी एक किताब है इल फिलोस्ट्रेटो, उसकी कहानी से चौसर ने इसको ट्रांसलेट किया था, और ये फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश वर्स मानी जाती है। और चौसर का एक बहुत गहरा मित्र था जॉन गोवर, जिसने बाद में आपको पता है तीन किताबें लिखी फ्रेंच लैटिन और इंग्लिश में। जॉन गोवर को इसने डेडिकेट की थी पोयम, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बाद में रॉबर्ट हेनरीसन ने इसके एक आगे के भाग को भी लिखा, जिसको द टेस्टामेंट ऑफ क्रेसिडे कहते हैं, उसे कहते हैं कि चौसर की इस पोयम को आगे उसने कुछ हिस्सा जोड़ा था। तो ये इसकी पहली किताब थी। दूसरी किताब जो इटालियन पीरियड में आके की द हाउस ऑफ फेम, ये 1374 में आई थी दोस्तों, और ये एक अनफिनिश्ड ड्रीम एलेगरी थी। ड्रीम एलेगरी वो होती है जिसमें आप ड्रीम में दिखाते हैं कुछ चीजें, या फिर कोई ड्रीम देखने के बाद उसको बेस बनाते हैं किसी कहानी के लिए। उसके बाद इसको ऑक्टोसिलेबिक कपलेट पे लिखा गया, तो इसमें भी मैंने एक ट्रिक बनाई है आपके याद करने के लिए। जैसे हाउस ऑफ फेम है, वो फेमस हाउस है, तो वो फेमस हाउस इसलिए हो गया क्योंकि उसके अंदर एक ऑक्टोपस रहता था, तो ये आपको ऑक्टोसिलेबिक कपलेट याद हो जाएगा कि हाउस ऑफ फेम को ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखा गया। इसकी तीन किताबें हैं इसके अंदर, और दांते की डिवाइन कॉमेडी से पूरा प्रभावित है, उसी से लिया गया है, इसीलिए लोगों ने इसे दांते इन इंग्लिश भी कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अरे चौसर इट इज दांते इन इंग्लिश, यानी दांते अगर इंग्लिश में लिखता तो ऐसा लिखता। और लिडगेट जो बाद में आते हैं पोस्ट सोसेरियन में, तो उनका एक टेम्पल ऑफ ग्लास आपने सुना है, एक बहुत बड़े पोएम, और पोप की जो टेम्पल ऑफ फेम है वो दोनों इसी कहानी पे बेस्ड है, उनकी इसी पोएम पे बेस्ड है। और जो इसमें ईगल का एक सिंबल आता है, वो गाइड करता है पोएट को पूरे रेगिस्तान के अंदर, वो ईगल का सिंबल आपको बहुत जगह चौसर की इमेजरी में, ड्रीम एलेगरी में देखने को मिलेगा। तीसरी किताब थी इसमें द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। आपको याद होगा मैंने कहा था जब औरतों की बेवफाई और ड्रॉबैक्स ऑफ मैरिज को उसने किताब लिखी थी, तो एक्चुअली चौसर के सपने में उस समय एक देवी आई और उन्होंने कहा कि तुमने जो है सब गलत लिखा औरतों के बारे में, अच्छी औरतों के बारे में भी कुछ लिखो, यू हैव जस्ट डिफेम्ड वुमेन। तो ये एक कहानी है इसके पीछे। तो उन्होंने तब द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन को लिखने की सोची। जो लोग लिटरेचर को पहली बार पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको मैं बता दूं लेजेंड का मतलब स्टोरी होता है। यहाँ पर कई लोग लेजेंड को कोई बहुत बड़ा आदमी समझ लेते हैं, कोई बहुत फेमस आदमी, यहाँ लेजेंड का मतलब है कहानियां।
तो अच्छी औरतों की कहानियां 1380 में किताब आई, इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पहली पोयम जिसने हीरोइक कपलेट को यूज किया इंग्लिश लिटरेचर में वो ये है, द लेजेंड ऑफ गुड विमेन। इसमें एक प्रोलॉग है और 9 टेल्स हैं, और इसमें जो अच्छी औरतों का जो है चालाक और शातिर आदमियों के द्वारा जो धोखा दिया गया, उनको बिट्रे किया गया, वो कहां शामिल है। और उसने वैसे 19 कहानियां लिखने की सोची थी लेकिन वो 9 ही कंप्लीट कर पाया, और ये ड्रीम एलेगरी है। और 9 के 9 लेजेंड्स जो हैं वो किस पे बेस्ड हैं, जैसे क्लियोपेट्रा, फाइलिस, थीब्स बे, ल्यूक्रिस, एरियाडने, फिलोमेला, डीडो, मीडिया, हिपोसिपल, तो ये इन लोगों पे आधारित है। और इसमें सबसे बढ़िया कहानी है थीस्बे की कहानी, और ये वर्क हमेशा इनकम्प्लीट रहा, तो एक ये क्वेश्चन आता है। चौथी जो बुक है एनेलिडा एंड आर्साइड, वो टोटल 357 लाइन की है, और वो एनेलिडा और उसके लवर आर्साइड पे बेस्ड है, और जनरली कहा जाता है कि लिडगेट को एट्रीब्यूटेड है ये किताब। और इसके बाद द पार्लियामेंट ऑफ फाउल 5वीं किताब है, और ये भी पूछी जाती है, 1370-80 के बीच में कहीं आई है, और इसको 2 अल्टरनेटिव टाइटल्स से भी जाना जाता है। एक तो इसे पार्लियामेंट ऑफ वर्ड्स भी कहा जाता है, और दूसरा असेंबली ऑफ फाउल्स भी कहा जाता है, तो ये अच्छे नाम है दोनों। ड्रीम एलेगरी है फिर से, इसकी 700 लाइंस है, काफी लंबी पोएम है, ये भी राइम रॉयल में लिखी गई है, और किंग रिचर्ड 2 के ऊपर बेस्ड है, जब उसकी एनी ऑफ बोहेमिया से एंगेजमेंट तय हुई थी। और पोएट इसमें एक जगह सो जाता है जब वो सिसरो नामक राइटर के किताब पढ़ रहा होता है, द ड्रीम ऑफ सीपियो, और तब वो इसको जो ड्रीम करता है उसके बेस पर ड्रीम एलेगरी लिखता है। तो आपने देखा कि फ्रांस और इटली में जाके चौसर ने क्या रचा। इसके बाद जब चौसर ने कहा कि अब मैं इंग्लैंड में रह के इंग्लिश पे काम करूंगा, तो उन्होंने न सिर्फ इंग्लिश को इम्प्रूव किया, रिफाइन किया, शब्दों की स्पेलिंग, साउंड सब पे काम किया, और साथ ही साथ पोएट्री पे काम किया। और इंग्लिश पीरियड में उन्होंने जो 3 या 4 किताबें लिखी, वो पहली थी द लैक ऑफ स्टेडफास्टनेस, जो ठीक ठाक पोएम थी, फिर कंप्लेंट ऑफ चौसर टू हिज एम्प्टी पर्स लिखी। ये इसलिए लिखी कि हेनरी फोर्थ जब उनके लास्ट टाइम पे आया, उसने पेंशन रुकवा दी थी उनकी, और पेंशन रुकवा दी थी, चौसर ने एक सेटायर किया उन पे कि मेरी कंप्लेंट हेनरी फोर्थ को, मेरे खाली पर्स की कंप्लेंट। तो इसको पढ़ के आपको बताऊं कि हेनरी फोर्थ ने फिर से इनकी पेंशन लगवा दी, हालांकि चौसर उसको ज्यादा भोग नहीं पाए क्योंकि चौसर अगले साल उनकी डेथ हो गई थी। तो ये उस समय लिखी गई थी। ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोलेब, ये किताब बहुत बार पूछी जाती है, इसको ब्रेड एंड मिल्क फॉर चिल्ड्रन भी कहा जाता है, बच्चों पर आधारित किताब है, लेकिन ये प्रोज वर्क है जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो भी अनफिनिश्ड प्रोज वर्क, ये पूरा नहीं हुआ। और ये उन्होंने अपने बेटे के लिए लिखी थी खासकर, उसका नाम था लिटिल लुइस, तो उनका बेटे लिटिल लुइस के लिए किताब लिखी थी, ये बहुत अच्छे शानदार इसमें पॉइंट है। और अब सबसे बड़ा वर्क जिसकी वजह से चौसर फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री हो गए, वो इंग्लिश का अपने आप में ये वर्क सारे वर्क्स पर भारी पड़ता है, द कैंटरबरी टेल्स, आप जानते हैं, और एक वीडियो पूरी सिर्फ कैंटरबरी टेल्स पे हम बनाएंगे, और इस समय सिर्फ कैंटरबरी टेल्स का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, वही कुछ पॉइंट्स के साथ। ये पूरी पोयम हीरोइक कपलेट में लिखी गई, और 1387 में ये पोयम आई थी, 1387 में, और ये पूरी पोयम हीरोइक कपलेट में लिखी गई। केवल 2 पार्ट ऐसे थे जो प्रोज में लिखे गए, तो 2 हिस्सों को छोड़ के बाकी सारी पोयम हीरोइक कपलेट में है। और जिस किताब से इसको कॉपी किया गया है वो बोकेशियो की डेकामेरोन है, तो सोर्स है बोकेशियो की डेकामेरोन। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें, अब ये कैंटरबरी टेल्स का प्लान समझिए, बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन है, वो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स एक ही समझ लेते हैं। देखिए कैंटरबरी टेल्स पूरी एक पोयम है जिसका पहला हिस्सा प्रोलॉग है जो कि पहले आता है, और फिर है टेल्स। तो प्रोलॉग में वो सारे कैरेक्टर्स बताता है जो वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, टेबर्ड इन एक लंदन में साउथ वॉक नामक जगह पे, एक टेबर्ड इन धर्मशाला जिसे कहते हैं वो है, वहां 29 लोग आए हैं, इकट्ठा हुए हैं पिलग्रिम्स, जो सेंट थॉमस बैकेट जो कि कैंटरबरी में उनकी श्राइन में जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में। ये 29 लोग प्रोलॉग के अंदर डिस्क्राइब है, तो इनका डिस्क्रिप्शन और इनके बारे में जो कहा गया है वो है प्रोलॉग, जिसको हम पूरे इंग्लैंड की सोसाइटी का पोर्ट्रेयल कह सकते हैं एक एक करेक्टर को। उसके बाद इन 29 लोगों को हैरी बेले नाम का आदमी जो टेबर्ड इनका मालिक है,
वो एक ऑफर देता है, कहता है तुम सब दो स्टोरी जाते वक्त सुनाओगे, दो स्टोरी आते वक्त, और जिसकी बेस्ट स्टोरी होगी उसे मैं पूरा डिनर जो है फ्री में कराऊंगा। अब ये उसके अलावा दो लोग और हैं, हैरी बेले और चौसर, तो मिला के 31 लोग हो जाते हैं। तब ये जाते हैं, जब तो होना बहुत स्टोरी होनी चाहिए थी, लेकिन इस पूरी पोएम में सिर्फ 24 स्टोरी पूरी हो पाती है, जिसमें से 20 जो है कंप्लीट स्टोरी होती है, 4 पार्शली कंप्लीट। और ये सारे लोग जब आते हैं तो इसमें जो प्रोज में जो दो स्टोरी कही गई है, एक चौसर ने कही और एक पार्सन ने। प्रोज वाली स्टोरी जो चौसर की है वो टेल ऑफ मेलिबियस कहलाती है, हालांकि चौसर ने दो इसमें टेल सुनाई है, टेल ऑफ थोपास, लेकिन वो पोएट्री में, टेल ऑफ मेलिबियस प्रोज में है। और दूसरा राइटर जो प्रोज में बताता है वो है पार्सन। तो पी फॉर पार्सन, पी फॉर प्रोज, आप ऐसे याद रखिए। और पहली स्टोरी कौन सुनाता है ये भी पूछते हैं, नाइट सुनाता है और लास्ट स्टोरी सुनाता है पार्सन। और कैंटरबरी टेल की जब किताब खत्म होती है तो इसमें पूरा सेक्शन है जिसको हम कहते हैं रिट्रैक्शन, और इस रिट्रैक्शन सेक्शन में चौसर माफी मांगता है कि अगर मैंने कोई वल्गर चीज लिखी हो या कोई ऐसा हिस्सा लिखा हो जो अनवर्दी हो, जो आप जैसे रीडर्स के लिए के सामने अच्छा नहीं हो या उसकी इमेज अच्छी नहीं हो इस वर्क में या इससे पहले किसी भी वर्क में, तो मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ, इसको रिट्रैक्शन कहा गया। तो ये इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको कैंटरबरी टेल्स का दिया। अब जो अगला वीडियो आएगा वो पूरा कैंटरबरी टेल्स के पॉइंट पे ही आधारित होगा। तो आशा करता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है लेकिन आप तक सारे पॉइंट पहुँचाने बहुत ज़रूरी थे, आपको बहुत हेल्प करेंगे सारे पॉइंट। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और फिर से मिलते हैं, अगला वीडियो हम लेके आएंगे ग्रामर पे, और ये सीरीज जो हमारी रुकी हुई थी वो आगे बढ़ेगी। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करना ना भूलें, और अपनी डिमांड रखना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।